हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीपल इमेजेस की जो हमारे पास लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी से एक जो है इफेक्ट फोटो कॉकटेल, फोटो को आपस में मर्ज करना लाइन एंड कॉलम वाइज, फोटो कॉकटेल कैसे किया जाता है। और एक इफेक्ट है पॉइंटलाइज, जो भी इमेज हमारे पास अवेलेबल है उस इमेज को डॉट्स में प्रिंट करना हो, मल्टीकलर कलर में, मल्टीपल डॉट्स में अगर हमें प्रिंट करना हो तो, और उन डॉट्स के अंदर कितना वेरिएशन हो अप एंड डाउन, उन डॉट्स में पॉइंटलाइज करना। तो ये है दो इफेक्ट जो इसमें कोरलडॉ 2020 में हमें नए मिले हैं। सबसे पहला है फोटो कॉकटेल। फोटो कॉकटेल के लिए हमारे पास होना चाहिए फोटो की लाइब्रेरी। हमारे पास जैसे लिमिटेड लाइब्रेरी, उसको ही हम यूज करते हैं। एक रेक्टेंगल शेप में हम एक ड्रॉ करते भी, मुझे एक पीछे बैकग्राउंड बनाना है। और इस बैकग्राउंड को बनाने से पहले मैं एक इमेज और इंपोर्ट करता हूँ इसमें। से ये इमेज ले लेता हूँ, इसको मैं कटआउट बनाना होगा, या फिर मेरे पास इमेजेस फाइल बनी भी होगी कटआउट की, वो मैं ओपन कर लेता हूँ। सेव किया होगा, ये कटिंग की भी इमेज हमारे पास जैसे ये है, इसको मैं ले लेता हूँ, इसी को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं कट की हुई इमेज को यहाँ पे ऐड कर लूँगा, कंट्रोल ये, और क्लिक किया हुआ ये, मैं इमेज को कॉपी करके यहाँ ले आता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा एडिटिंग करना होगा वो ये, सॉरी मैं दूसरी इमेज ले लेता हूँ ये, अगर इमेज कटिंग सही नहीं है तो। परफेक्ट इमेज कटिंग मैंने किसमें किया, इसमें किया हुआ है। यहाँ से मैं ये इमेज, यस एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ कि भाई इसको हम कैसे यूज करना है, फोटो कॉकटेल को क्या हम कैसे कर सकते हैं। 8 इंच बाय 10 इंच का मैं एक बॉक्स लेता हूँ, को सेंटर लाइन करेंगे और यहाँ मैं इसको प्लेस करता हूँ। अब इसमें बैकग्राउंड मुझे यूज करना है फोटो कॉकटेल यूज करते हुए। तो फोटो कॉकटेल का मेन काम क्या होता है, जो भी हमारे पास लाइब्रेरी है या जो हम कलर सॉरी इमेजेस की लाइब्रेरी इसको शो कर रहे हैं, उस इमेज लाइब्रेरी को यूज करते हुए टाइलिंग फॉर्मेट में उन इमेजेस का एडजस्टमेंट करना कॉलम एंड लाइन वाइज, और एज ए बैकग्राउंड यूज करना किसी भी दूसरी इमेज के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। इफेक्ट मेन्यू में जाएंगे, इफेक्ट मेन्यू में जाके फोटो कॉकटेल ऑप्शन ऑन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे यहाँ से रेक्टेंगल को जिसमें हमें ये फिल करना है लाइन एंड कॉलम वाइज। तो देखिए इसमें सबसे पहले दिखा रहा है रेफरेंस सेलेक्शन जो हमारा है उसमें हमें करना है, सोर्स हमारा ये है और उसमें हमें लाइब्रेरी यूज करनी है जो हमारे पास है। मेरे पास जो लाइब्रेरी है उसके अंदर, लाइब्रेरी में हमारे पास डेस्कटॉप में इमेजेस जो है वो लिमिटेड है, 8-10 इमेज है। तो उन इमेजेस को कॉलम वाइज एंड रो वाइज, जैसे ग्रिड जो बना रखी है 6x6 की जो ग्रिड है, इस ग्रिड में ब्लेंडिंग करते हुए 30% उसका जो इमेजेस का यूज करें, यानी कि वो सारी इमेजेस यूज करें लेकिन उनको रिपीट करें 30% वाइज, और डुप्लीकेट इसमें दे रखा है एक ही डुप्लीकेट करें, हर एक का एक एक डुप्लीकेट करें, हर एक का 3-4 डुप्लीकेट करना हो तो। हमारे पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी नहीं है, 8-10 इमेज ही है तो हम इसको वन ही रखेंगे। अगर हमारे पास 50-60 फोटो की एक लाइब्रेरी हो तो यहाँ पे हम डुप्लीकेट कर सकते हैं, 2-3 जितना करना चाहे उतना हम कर सकते हैं। तो चलिए तो हम शुरू करते हैं कि यहाँ से लाइन वाइज और कॉलम वाइज जो है, जो हमारे पास जो लाइब्रेरी है जो मैंने यहाँ पे डिफाइन की, जैसे ही मैं लाइब्रेरी डिफाइन करूंगा उसमें जितनी इमेजेस होंगी उस इमेजेस के अकॉर्डिंग जो डुप्लीकेट्स है, उस डुप्लीकेट्स के अकॉर्डिंग जितनी इमेजेस आएंगी उतने उस हिसाब से रोज डिफाइन होंगी। पहले रोज 6 आ रही थी क्योंकि हमने कोई एरिया जो है लाइब्रेरी का वो सेलेक्ट नहीं किया था, पाथ हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करते उसमें से जितनी इमेजेस इसने उठाई उस इमेजेस के अकॉर्डिंग 7 रोज बनेगी। तो ये 7 बता रहा है, 50 इमेज होंगी तो उसके अकॉर्डिंग जो रोज बननी होगी वो यहाँ पर डिस्प्ले करेगा, ये लॉग्ड रहता है। और कॉलम हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मैंने अगर जैसे यहाँ किया, मान लीजिए 4 कॉलम, तो 4 कॉलम में इमेजेस को रिपीट करेगा। अब उस अकॉर्डिंग टू 4 इमेज रिपीटेशन इसका होगा लाइन एंड कॉलम वाइज 5 रोज में। तो मैं इसको 6 कर देता हूँ वापस, 7 का जो है ये रेशियो आ जाएगा इसमें। अब इसको अप्लाई करते हैं, तो ये क्या करेगा, इस सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट में, इस ओरिजिनल सोर्स में इमेजेस को टाइल फॉर्मेट में यहाँ से जो पाथ दिया है उस पाथ से इमेज उठाते हुए फिल करेगा 6x7 कॉलम एंड रेशियो के, रोज के रेशियो में। तो ये कुछ इस प्रकार से एक टाइल फॉर्मेट बना देगा हमारे पास। ये देखिए एक और टाइल फॉर्मेट आ गया, इस टाइल फॉर्मेट को हम यूज कर सकते हैं एज ए बैकग्राउंड। ये हमारा एक इमेज का लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी के अंदर से हमने एक इमेज लिया लाइन एंड कॉलम वाइज और इसको कुछ इस तरह से बैकग्राउंड बनाते हुए काम में ले लिया। ये होता है फोटो कॉकटेल का रोल, इस तरह से हम फोटो
कॉकटेल, यानी कि फोटोज जो हमारी लाइब्रेरी है उन लाइब्रेरीज में लाइन एंड कॉलम वाइज इमेजेस को टाइल फॉर्मेट में एडजस्ट करना, जमाना और उसको एज ए बैकग्राउंड यूज करना, क्या एक कोलाज भी इस तरह से हम कह सकते हैं इसको, एक फिक्स पैटर्न का कोलाज बनाना, दैट इज व्हाट इफेक्ट में को फोटो कॉकटेल का रोल होता है ये। अब आते हैं पॉइंटलाइज। पॉइंटलाइज का मतलब होता है जी, अब जैसे ये इमेज है, इस इमेज को डॉट्स में कन्वर्ट कर देगा इफेक्ट पॉइंटलाइजर। पॉइंटलाइजर में इसमें डेंसिटी दे रखी है, स्केल दे रखा है अकॉर्डिंग टू स्केल, और इसको स्क्रीन एंगल के अकॉर्डिंग 16 कलर्स में उन डॉट्स को कन्वर्ट कर देगा इमेज को। तो अप्लाई करेंगे डॉट्स कैसे, हम यहाँ पे दो तरह के ले सकते हैं, स्क्वायर सर्कल, अगर कस्टम हमारे पास कोई बना हुआ शेप है तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे पॉलीगॉन अगर बना हुआ तो हम पॉलीगॉन बता सकते हैं, मैं इसको एक बार पहले सर्कल में करके दिखा देता हूँ कि सर्कल एंड देन अप्लाई। तो जो सिलेक्टेड इमेज थी उस इमेज के देखिए मल्टीपल सर्कल्स में कन्वर्ट कर दिया है और 16 कलर 16 कलर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये इमेज नहीं रहा, एक इमेज का एक वो डॉट्स में एक फॉर्मेशन हो गया, ये देखिए 16 कलर्स तक का। मैं सारे कलर्स को यूज़ कर सकता हूँ, 256 कलर्स जो इमेज के हैं उनको यूज़ कर सकता हूँ। अभी मैंने अंडू किया है 256 कलर्स करके, अब मैं इसकी फॉर्मुलेशन करता हूँ, ये देखिए ये इमेज के अंदर 16 कलर्स के, सॉरी 256 कलर्स में इनको इमेज को डॉट्स में कन्वर्ट कर देगा। फिर बात आती है स्क्रीन एंगल स्केलिंग, ये हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं वापस अंडू करता हूँ जो लेवल है दोबारा दिखाने के लिए, 0.5 कर देते हैं स्केलिंग डॉट्स की, स्केलिंग का एंगल 45 कर देता हूँ स्क्रीन एंगल, और सर्कल लेता हूँ इसके अंदर और ये इसको 5 कर देता हूँ एडजस्टेंट, कहीं पे सर्कल बहुत बारीक आ गया देखिए, कहीं पे ज़्यादा डार्क आ गया, ये इसका स्केलिंग का रोल लेता है। डॉट्स का ये पैटर्न हमने तैयार किया, इसको हम अपना प्रिंटआउट में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है पॉइंटलाइज करते हुए। अब बात करते हैं, मैं जैसे पॉलीगॉन में ही करना चाहता हूँ इसको, तो पॉलीगॉन बनाएंगे कस्टम शेप यूज़ करेंगे, तो इसको सेलेक्ट करेंगे इमेज को, मैं यहाँ थोड़ा बाहर रख लेता हूँ। नाउ कस्टम सेलेक्ट दिस पॉलीगॉन, ओके करना किस पर, इस पर अप्लाई करना, ओके सारे पॉलीगॉन्स बन जाएंगे देखिए पॉलीगॉन। स्केलिंग एक होना चाहिए, 330 एंगल होना चाहिए। अब इसमें आगे से आगे करता रह रहा है, मुझे अंडू इसलिए करना पड़ेगा कि मुझे पूरी इमेज पर लगाना है। अंडू किया, उसी लेवल पर लाते हैं वापस, सर्कल किया, स्क्वायर करते हैं, सारे स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे देखिए, स्क्वायर ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे 256 कलर्स कम करता हूँ तो कैसे दिखाएगा ये कलर्स कम किए, ये इस तरह से दिखाएगा, सारे कलर सॉफ्टनेस से हट के हार्डनेस पर आ जाएंगे। तो इस तरह से पॉइंटलाइज हम कर सकते हैं, और हमारे कस्टम शेप में अगर हमें करना हो तो यहाँ से कस्टम शेप यूज़ करेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे जो हमने किया था अभी प्रीवियस में, वही यहाँ दिखाएगा, नया करना है तो हम नया बना करके भी कर सकते हैं। अब ये पॉलीगॉन कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा आ रहे हैं और 16 कलर्स यानी कि 16 कलर हार्ड कलर्स में कन्वर्ट कर देगा, और इसको अब हम अनग्रुप कर सकते हैं। ये देखिए अनग्रुप किया, ये सारे कलर्स अलग अलग हो जाएंगे, जितने भी 16 कलर है 16 कलर के हिसाब से पैटर्न अलग अलग हो जाएगा। ये होता है इमेज को पॉइंटलाइज करना, मल्टीपल इमेजेस का फोटो कॉकटेल बनाना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।